हेलो एवरीवन, आई कनिका भारद्वाज वेलकम यू ऑल इन द डीके क्लासेस। नाउ दिस इज़ योर लेक्चर थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट एंड द टॉपिक इज प्रोटिस्टा। नाउ दिस प्रोटिस्टा इज द सेकेंड किंगडम अमंग द फाइव किंगडम। सो वॉट इज प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा आर द यूनिसेल्यूलर एंड दे आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये यूकैरियोटिक होते हैं, इट मीन्स दे आर हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस ऑल्सो एंड दे आर हैविंग द सेल बाउंड ऑर्गेनलीज ऑल्सो। ठीक है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी होगा और सेल बाउंड ऑर्गेनलीज भी होंगे। प्रोकैरियोटिक नेचर का अगर अपन देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक नेचर का एक ही किंगडम होता है, दैट इज़ दी मोनेरन्स, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। नाउ नेक्स्ट इज फ्यू प्रोटिस्टा जो होते हैं, दे आर ऑल्सो द मल्टी सेल्यूलर एंड दोज फ्यू प्रोटिस्टा में से एक ऐसा एग्जाम्पल है कैल्प का। ये जो कैल्प होता है ये एक तरह की ब्राउन एल्गी है एंड इट रिजेंबल्स लाइक दी टॉल ग्रासेस। यानी कि जब आप इसका ये टॉल ग्रासेस की जैसे रिजेंबल करता है, आप इसको जब देखोगे तो आप कह नहीं सकते कि ये प्रोटिस्टा है, यू विल बी सेइंग दैट ये एक प्लांट है। ठीक है, बट वो एक्चुअल में होता क्या है, प्रोटिस्टा होता है एंड इट इज़ अ ब्राउन एल्गी। बाहर से अगर हम जब उसको देखते हैं तो आउटसाइड जो इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, बट जब हम इनसाइड इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं लैब्स में तो इनसाइड में हमने क्या देखा कि जो इसका टिश्यूज हैं दे आर नॉट वेल डिफाइंड। सो रिमेंबर दिस थिंग कि प्रोटिस्टा जो होते हैं वैसे तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस इन प्रोटिस्टा ऑल्सो एंड वन सच एग्जाम्पल इज़ वॉट, कैल्प। नेक्स्ट इज दे आर हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। देन मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा जो होते हैं दे लिव इन द वॉटर एंड सम ऑफ देम विल लिव इन द मॉइस्ट सॉइल ऑल्सो एंड इवन ऑन द बॉडी ऑफ द ह्यूमंस और द प्लांट्स। यानी कि ये पानी में भी रह सकते हैं, दे कैन बी फ्लोटिंग ऑल्सो, फ्लोटिंग भी हो सकते हैं ये। फ्लोटिंग कौन कौन से होते हैं, जो अपन जैसे फाइटो प्लैंक्टन जू प्लैंक्टन देखते हैं तो वो इस तरह से वो फ्लोटिंग भी हो सकते हैं क्रिएचर्स, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं यानी कि मॉइस्चर में रहना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमंस बॉडी के ऊपर या इनसाइड रहते हैं या प्लांट बॉडी के अंदर या ऊपर की साइड ऑन द सरफेस रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दे लोकोमोट थ्रू द सीलिया फ्लाजिला एंड ऑल्सो अ फ्यू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा हैव द सूडोपोडिया दैट हेल्प देम टू मूव। यानी वैसे तो ये सीलिया और फ्लैजिला से मूव करते हैं, बट कुछ प्रोटिस्टा, वही एक्सेप्शन वाली चीज़ है कि कुछ प्रोटिस्टा जो हैं वो सूडोपोडिया के थ्रू भी मूव कर सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो कैप्चर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया। नेक्स्ट इज देयर न्यूट्रिशन। नाउ जब हम इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो देखते हैं कितने टाइप्स के इनमें न्यूट्रिशंस होते हैं। दे कैन बी द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, दे कैन बी द नॉन फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉप्स और दी डीकम्पोजर्स। नाउ जब हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोला, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स को हम एज इन चीफ प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। नाउ व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म और दोज लिविंग क्रिएचर्स विच कैन मेक देयर ओन फूड, जो कि अपना फूड खुद से बना लेते हैं। नाउ अभी हमने बोला कि ये प्लांट्स नहीं है, जब हमने कैल्प की एग्जांपल लिया तब हमने ये चीज़ देखी कि ये प्लांट्स नहीं होते, दे आर द प्रोटिस्टा। फिर हम व्हाई वी आर सेइंग दैट दे आर ऑटोट्रॉफ्स, बिकॉज इनके अंदर एल्गी होते हैं, डाई एटम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। नाउ इसके अंदर एक युगलीना ऐसा क्रिएचर होता है जो कि प्रोटिस्टा का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। जब उसको सनलाइट मिलती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो एज एन ऑटोट्रॉफ एक्ट करता है, और जब उसको सनलाइट नहीं मिलती यानी इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो एज एन हीटरोट्रॉफ एक्ट करता है। यानी जब सनलाइट मिलेगी तो वो अपना खाना खुद बना लेगा, और अगर सनलाइट नहीं मिली तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। सो इस तरह से जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। एंड व्हाट आर द फाइटोप्लैंक्टन्स? दे आर द फ्लोटिंग क्रिएचर्स, दे आर फ्लोटिंग इन द ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशियंस और ऑन द फ्रेश वाटर्स, उनको हम बोलते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स एंड दे ऑल्सो हैव द सेल वॉल। नेक्स्ट इज नॉन फोटोसिंथेटिक हीटोट्रॉफ्स। सो वॉट आर नॉन फोटोसिंथेटिक हीटोट्रॉफ्स? दे आर कॉल्ड एज द जू प्लैंक्टन्स। हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स को बोला फाइटो प्लैंक्टन्स, फाइटो मीन्स प्लांट, और नॉन फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉफ्स को वी आर सेइंग दैट दे आर जू प्लैंक्टन्स एंड जू मीन्स वॉट? एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये जू प्लैंक्टन्स होते हैं एंड दे ऑलवेज डिपेंड ऑन द अदर प्रोटिस्टा एंड समटाइम्स दे ईट दी
अदर प्रोटिस्टा एज अ फूड, जैसे कि प्रोटोजोआ इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन दी प्रोटिस्टा, जो कि दूसरे प्रोटिस्टा को खा जाता है. ओके, नाउ जब हमने इनको जू प्लैंकटॉन्स बोला, मीन्स दे आर ऑल्सो द फ्लोटिंग एनिमल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशियन और ऑन द सर्फेस ऑफ द फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर ओशियंस वाटर बॉडीज जो होती हैं उनके सर्फेस पे फ्लोटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ एक उनमें से प्रोटिस्टा भी होते हैं. एंड दे डू नॉट हैव द सेल वॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज वॉट डीकम्पोजर्स. अब डीकम्पोजर्स में दो तरीके की चीज़ें आती हैं, वन इज द पैरासिटिक एंड द अनदर वन इज द सिम्बायोटिक. ये पैरासिटिक और सिम्बायोटिक हमने पहले भी पढ़ रखा है. सो वॉट आर द डीकम्पोजर्स? डीकम्पोजर्स वो लिविंग बींग्स होते हैं जो कि दूसरे लिविंग बींग्स को अपने इफेक्ट से, यानी अपने अकॉर्डिंगली वो दूसरे लिविंग बींग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, तो जो पैरासाइट होगा, तो पैरासाइट में यही होता है कि पैरासाइट जो है वो खुद तो बेनिफिटेड रहता है एंड इट ऑलवेज ईट्स अप द होस्ट. होस्ट को वो हमेशा खा जाता है. तो होस्ट हमेशा हार्म रहता है और पैरासाइट हमेशा बेनिफिटेड रहता है. नेक्स्ट इज द सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक की जब हम बात करते हैं तो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो बहुत से प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं आपस में एंड दे लिव सिम्बायोटिकली इन द गट ऑफ एनिमल्स ऑल्सो. अगर एनिमल्स में बात करें तो इट एग्जाम्पल हम टर्माइट्स का ले सकते हैं. टर्माइट्स जो होते हैं उनके गट में ये प्रोटिस्टा सिम्बायोटिकली रहते हैं. ओके, सो दे आर शोइंग व्हाट? दे आर शोइंग द म्यूचुअल रिलेशनशिप. सो दिस वाज अबाउट द न्यूट्रिशन इन द प्रोटिस्टा. नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन. नाउ रिप्रोडक्शन जो होता है इनका दो तरीके से हो सकता है. वन इज सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड द अनदर वन इज द सेक्सुअल. एसेक्सुअल क्या होता है? विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. एंड सेक्सुअल इज विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. नाउ एसेक्सुअल में भी फर्दर टू टाइप्स होती हैं, बाइनरी फिजन एंड बडिंग से हो सकता है. बाइनरी फिजन इज व्हेन द सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल. एक पूरा सेल है बट वो दो सेल्स में डिवाइड हो गया एंड इट हैज़ गिवन द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल्स. देन नेक्स्ट इज द बडिंग. बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर एक बर्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है. जब वो बर्ड थोड़ा बहुत मेच्योर होने लगती है एट दैट टाइम इट गेट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और वो एक अपना नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यानी नया डॉटर सेल बन जाती है. नेक्स्ट इज सेक्सुअल. सेक्सुअल के अंदर आता है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो. यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. तो फिर एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो कैसे होगा? सिस्ट बनेंगी. सिस्ट की जो स्टेजेस होती हैं उनका फॉर्मेशन होता है और इस तरह से प्रोटिस्टा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नाइट. अगर हम बोलते हैं तो इकोसिस्टम के अंदर प्रोटिस्टा डिफरेंट टाइप्स में रह सकता है. व्हाट इज द नाइक? नाइक इज द पोजीशन ऑफ द सर्टेन स्पीशीज इन द इकोसिस्टम. नाइक डिसाइड करता है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसमें स्पीशीज की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है. ऑन द बेसिस ऑफ, हम एक तरह से कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर भी बेस्ड रहती है ये नाइक, मतलब जो पोजीशन है सर्टेन स्पीशीज की. नाउ नेक्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ नाइक, फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स देन कंज्यूमर्स देन डिकम्पोजर्स. तो प्रोड्यूसर्स वो हो गए दोज विच कैन मेक देयर ओन फूड, कंज्यूमर्स विच डिपेंड्स फॉर फूड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डिकम्पोजर्स दोज विच डिस्ट्रॉय द अदर लिविंग बींग्स फॉर द फूड. जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डिकम्पोजर्स में पैरासाइट का. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट प्रोटिस्टा का. अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. तो प्रोटिस्टा में फर्दर ग्रुप्स होते हैं. प्रोटिस्टा इज अ किंगडम और इसके कुछ फाइलम्स होते हैं. सो द फर्स्ट हम देखते हैं, फाइलम भी अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन से डिवाइडेड है. फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, देन सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा एंड द नेक्स्ट इज हीट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्टा. नाउ फोटोसिंथेटिक में कौन से इनका फाइलम आएगा? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स. ये तीन फाइलम ऐसे हैं जिनके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं दोज मेंबर्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अगर उनको सनलाइट मिलती है तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद से बना सकते हैं. नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक यानी कि जो पैरासिटिक होते हैं या सिम्बायोटिकली रहते हैं. ऐसे कौन से हैं? स्लाइम मोल्ड्स. देन नेक्स्ट इज हीट्रोट्रॉफिक. हीट्रोट्रॉफिक यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, यानी कि दूसरे प्रोटिस्टा को ही खा जाते हैं. तो ऐसा कौन से ऑर्गेनिज्म्स हैं? प्रोटोजोअन्स.
नाउ नेक्स्ट इज वन बाय वन हम एक एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज क्राइजोफाइट्स. क्राइजोफाइट्स क्या होते हैं? दे आर द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं एंड दे आर सिंगल सेल्ड ऑल्सो. दे कैन बी मल्टी सेल्यूलर ऑल्सो. दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर, मरीन वाटर. ऐसे वाटर में ये मिलते हैं जो कि लो इन कैल्शियम होते हैं, जहाँ पर जो कैल्शियम कंटेंट होता है वो कम होता है. तो फ्रेश वाटर मरीन वाटर में ये मिलते हैं, बट उन फ्रेश वाटर मरीन वाटर में जो कैल्शियम का कंटेंट होता है वो काफ़ी कम होता है. नेक्स्ट इज दे हैव दी फ्यूकोजेंथीन नाम का एक पिगमेंट होता है इनके पास विद दी क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये जो फ्यूकोजेंथीन है, फ्यूकोजेंथीन इनको ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है. और क्लोरोफिल क्यों होता है? फॉर मेकिंग देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ताकि ये फोटोसिंथेसिस ईजिली कर सकें. इसीलिए इनके पास क्लोरोफिल होता है और फ्यूकोजेंथीन इसलिए होता है सो दैट इनका बॉडी में एक कलर आ सके. सो इट इज़ बेसिकली अ पिगमेंट फॉर द कलर. नेक्स्ट इज ये यूनिसेल्यूलर होते हैं. दे आर फ्री लिविंग ऑल्सो. कुछ इनमें मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं. सम ऑफ देम आर ऑल्सो दी मल्टी सेल्यूलर. देन दे कैन स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयली कार्बोहाइड्रेट. और उस ऑयली कार्बोहाइड्रेट को क्या नाम दिया है? क्राइजोलेमिनेरिन. ओके, सो ये अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? जैसे हम बोलते हैं कि प्लांट्स है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, वैसे क्राइजोफाइट भी किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं अपना खाना? ऑयली कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में. एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज क्राइजोलेमिनेरिन. नेक्स्ट इज क्राइजोफाइट्स जो होते हैं वो फर्दर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, या हम कह सकते हैं फर्दर उनकी क्लासेस होती है. व्हाट आर दे कैन बी द डाई एटम्स एंड द डेस्मिड्स. नाउ व्हाट आर डाई एटम्स? डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ द सिलिका डिपॉजिट. सिलिका डिपॉजिट्स की इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है. देन दे हैव द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. देयर फूड रिजर्व इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड ल्यूकोसिन. और ये ऑयल और ल्यूकोसिन को हम ल्यूकोसिन ऑयल और ल्यूकोसिन दोनों ही एक तरीके के क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स होते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड दे कम. कार्बोहाइड्रेट्स की भी अलग अलग क्लासेस होती हैं, जैसे मोनोसेक्राइड, डाईसेक्राइड. तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी ये कौन सी क्लास में आते हैं? पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं. देन नेक्स्ट इज दे पाइल अप एट द बॉटम ऑफ द वाटर रिजर्वॉयर एंड फॉर्म अ बिग हीप कॉल्ड डाई एटोमेशियस अर्थ. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दैट इज डाई एटोमेशियस अर्थ. इसके ऊपर आपके हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए दैट वॉट इज डाई एटोमेशियस अर्थ, और राइट शॉर्ट नोट ऑन दी डाई एटोमेशियस अर्थ. तो ये जो डाई एटोमेशियस अर्थ है ये किससे बना हुआ होता है? ये बनता है, अभी हमने देखा, दे पाइल अप एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वॉयर एंड फॉर्म अ बिग हीप. यानी कि जो ये डाई एटम्स होते हैं उनका जब फॉसिल्स बन जाते हैं तो उनके फॉसिल्स क्या होते हैं? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक हीप की फॉर्मेशन कर देते हैं. यानी एक ट्राइंगल लाइक जो हम कहते हैं, जैसे पहाड़ बन जाता है, तो वो एक पाइल अप हो जाते हैं, एक हीप की फॉर्मेशन कर देते हैं, और वो बिग हीप को हम क्या बोलते हैं? डाई एटोमेशियस अर्थ. अब क्योंकि अपन ने बोला कि डाई एटम्स का जो सेल वॉल है वो सिलिका डिपॉजिट्स का बना हुआ होता है, दैट मींस कि जो डाई एटम्स हैं दे आर रिच इन सिलिका. सो इसी तरह से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डाई एटोमेशियस अर्थ जो होता है, दिस इज ऑल्सो सिलिशियस इन नेचर. ये भी सिलिशियस नेचर का होता है एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये वाइट पाउडरिश कलर में भी आता है. नाउ इसका यूज़ क्या होता है? हम इसको इंसेक्टिसाइड के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, एज एन इंसेक्टिसाइड ऑल्सो. फॉर टीथ क्लियरिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर रिमूवल ऑफ द डेड स्किन. एक्सफोइलेशन जो होता है, तो डेड स्किन को, स्किन के रिमूवल के लिए भी हम डाई एटोमेशियस अर्थ को यूज़ कर सकते हैं. नाउ अब जब इसका यूज़ है तो कुछ ना कुछ इसका ड्रॉबैक भी होगा, और इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप इसको एक अमाउंट से, लार्ज अमाउंट में, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जब आप इसको यूज़ करते हो तो वो आपको एक लंग प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है. एंड इट कैन कॉज अ सीवियर लंग प्रॉब्लम और अ एंड दैट प्रॉब्लम कैन ऑल्सो लीड इन टू अ कैंसर. यानी कि लंग कैंसर के अंदर भी वो प्रॉब्लम बदल सकती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा अपने हाथों से रब करते हो तो जहाँ भी आप रब कर रहे हो उस एरिया पे ये वूंड भी कॉज कर सकता है. सो एक्सेस यूज जो होता है वो हार्मफुल ही होता है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द डाई एटम इज ट्राइसिरेटियम.
नेक्स्ट इज डेजमेट्स. सो व्हाट आर डेजमेट्स? दे आर दी गोल्डन ग्रीन एल्गी होते हैं. अगेन गोल्डन ग्रीन एल्गी जब हम बोल रहे हैं तो कोई ना कोई पिगमेंट होगा इनके अंदर. ओके सो नेक्स्ट इज दे आर यूनिसेल्युलर एंड दे एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. देन देयर एग्जाम्पल कैन बी क्राइजोसिफेरेला. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दी डाइनोफ्लैजिलेट्स. नाउ व्हाट आर डाइनोफ्लैजिलेट? ये एक तरीके के फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. दिस वी हैव स्टडीड दैट दे कैन मेक देयर ओन फूड ऑल्सो. नाउ सी दे आर दी मरीन, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बट सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑल्सो. मरीन होते हैं मोस्टली बट कुछ इसमें से फ्रेश वाटर्स होते हैं. देन दे कैन बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर डिपेंडिंग अपॉन दी वेरियस पिगमेंट्स. यानी कि इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट होते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन दैट पिगमेंट दे कैन बी द येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड इन कलर. इसकी एक डाइनोफ्लैजिलेट्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है और वो ये होता है कि ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं. अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसको. सम ऑफ देम आर बायोल्यूमिनेसेंट. ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है दैट दे कैन प्रोड्यूस द लाइट और दे कैन एमिट द लाइट इन द ड्यूरिंग डार्कनेस. डार्कनेस के टाइम पे ये लाइट को एमिट करते हैं. ओके, दे हैव द टू अनइक्वल फ्लैजिला होती है इनके पास. नेक्स्ट इज इफ द सेल वॉल इज प्रेजेंट दैट इज मेड अप ऑफ द प्लेट्स ऑफ सेल्युलोज. अगर सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो सेल्युलोज के प्लेट की बनी हुई होती है, अदरवाइज मोस्टली में नहीं होती. देन इनका जो फूड रिजर्व होता है दे कैन स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स ऑल्सो. नाउ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका. अगेन सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट सम ऑफ देम लाइक गोनियोटैक्स एंड जिम्नोनीडियम. गोनियोटैक्स और जिम्नोनीडियम जो होते हैं दे आर सम ऑफ द प्रोटिस्ट विच कैन ग्रो इन लार्ज नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन नंबर में ग्रो करते हैं इन द सी एंड दे कैन मेक द वॉटर लुक लाइक रेड एंड दे कैन कॉज द रेड टाइड एंड फॉर्म रेड टाइड. यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो गोनियोटैक्स और जिम्नोनीडियम है, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा, जब ये अगर किसी भी अगर अपन इनको ओशन या फ्रेश वाटर में छोड़ दें तो ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और ये बहुत सारे लार्ज नंबर में होते हैं. और जब ये एक साथ इकट्ठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने पानी को पूरा रेड कर देते हैं. ये पूरा वाइट क्यों रेड करते हैं? क्योंकि इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से इनकी बॉडी का कलर क्या होता है, रेड होता है. और जब झुंड में ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्या देते हैं, एज दे कैन कॉज द और दे कैन फॉर्म द रेड टाइड. रेड टाइड की ये फॉर्मेशन कर देते हैं. नाउ व्हाट इज दिस रेड टाइड? रेड टाइड की वजह से दे कैन रिलीज सर्टेन टॉक्सिन्स ऑल्सो बाय देम एंड कैन किल मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. अब ये जो होते हैं ये रेड टाइड की तो फॉर्मेशन करते ही करते हैं, यानी पानी को बहुत सुंदर सा बना देते हैं रेड रेड. बट साथ में ही ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं. दे रिलीज़ टॉक्सिन्स फ्रॉम देयर बॉडी और वो जो टॉक्सिन्स होते हैं दे कैन किल द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. सो इट मीन्स दे आर हार्मफुल फॉर द वाटर बॉडीज़. ये वाटर बॉडीज़ के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. नाउ नेक्स्ट देयर एग्जाम्पल कैन बी द पेरिडीनियम, सिरेटियम और नॉक्टिल्यूका. नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है, आपको नाम में ही पता चल रहा होगा, यूग्लिना. लेट्स सी. सो दे आर द यूनिसेल्युलर फ्रेजिलेट प्रोटिस्टा. मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर फाउंड इन द स्टेग्नेंट वाटर. स्टेग्नेंट वाटर मीन्स स्टेशनरी वाटर, ऐसा वाटर जो कि फ्लोटिंग वाटर नहीं हो, जो फ्लोट नहीं करता हो. देन दे हैव द टू फ्लैजिला. एक इनकी छोटी फ्लैजिला होती है एंड वन इज़ द लॉन्ग फ्लैजिला. और जो बड़ी वाली फ्लैजिला होती है दैट ऑलवेज हेल्प देम इन द मूवमेंट. नेक्स्ट इज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन रिच लेयर एंड दैट प्रोटीन रिच लेयर इज कॉल्ड एज पेलिकल. उस प्रोटीन रिच लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेलिकल. देन दे हैव द क्लोरोफिल ऑल्सो एंड दे डू फोटोसिंथेसिस. ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, इनके पास क्लोरोफिल भी होता है बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट.
बट जब इनके पास सनलाइट जब इनको नहीं मिलती, यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज अ हीटोट्रॉफ्स बाय प्रेडेटिंग ऑन द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब इनको सनलाइट नहीं मिलेगी इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो दूसरे ऑर्गेनिज्म्स को, स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं. देन देयर रिजर्व फूड इज कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलॉन. पैरामाइलॉन के फॉर्म में इनका जो फूड होता है वो, यानी कि जो इनका रिजर्व फूड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलॉन. देन नेक्स्ट इज दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड बाय सिस्ट ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन. यानी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट ऑल्सो दे कैन रिप्रोड्यूस. और जो सिस्ट बनती है अनफेवरेबल कंडीशन में उस स्टेज, उसमें एक स्टेज होती है एंड द नेम ऑफ दैट स्टेज इज पाल्मेला स्टेज. देन उसका एग्जाम्पल यू ऑल नो युगलीना. नाउ युगलीना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. क्यों है कनेक्टिंग लिंक? क्योंकि अभी अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें यह था कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है. सो युगलीना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. प्लांट फीचर अगर अपन देखें तो इसके अंदर क्लोरोफिल है, और एनिमल फीचर्स की जब अपन बात करते हैं तो इनके अंदर लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है एंड द प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल. सेल वॉल बनी हुई होती है प्रोटीन रिच लेयर दैट इज कॉल्ड एज पेलिकल. सो द एग्जाम्पल कैन बी युगलीना, पेरिनीमा, फैकस. नाउ नेक्स्ट इज द फोर्थ वन इज द स्लाइम मोल्ड. ये फोर्थ फाइलम है किंगडम प्रोटिस्टा का, दैट इज स्लाइम मोल्ड, जो कि सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं. नाउ सी सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा विच आर फाउंड इन द मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेसेस एंड दे आर रिच इन द डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ये जो डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं, यानी कि दे एक्ट एज अ डीकम्पोजर्स. जब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ये खा जाते हैं एंड दे किल दी अदर ऑर्गेनिज्म बाई ईटिंग देम. So their body is covered with the mucilage having the gelatinous consistency. इनकी जो body होती है this is covered with the mucilage, और ये जो mucilage होता है इसकी जो consistency होती है वो gelatin like होती है. They have a very tiny nuclei. Their example can be dictostelium or polysophoinderlium. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज दी प्रोटोजोअन, दैट इज हीटरोट्रॉफिक प्रोटिस्ट. ये सिंगल एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो कि हीटरोट्रॉफिक है, और सिंगल एक ऐसा प्रोटिस्ट था जो कि सैप्रोफिटिक था, और वो कौन सा था? अभी जो अपन ने पढ़ा स्लाइम मोल्ड्स. नाउ दिस इज द लास्ट फाइलम ऑफ द प्रोटिस्टा, दैट इज प्रोटोजोअन्स. यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा होता है, दे आर हैविंग दी एनिमल लाइक बिहेवियर. एनिमल लाइक बिहेवियर क्यों होता है? बिकॉज इट इज हैविंग दी हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन, heterotrophic mode of nutrition. Then they live as a predator also and as a parasite also. They can be the aquatic and terrestrial. They respire through the general body surface. They reproduce both asexually and sexually. So this was all about the protozoans. Now one important thing I would like to tell you ki protozoans jo hai wo khud mein ek bahut bada है, बिकॉज इसकी सुपर क्लासेस भी होती हैं एंड देन क्लासेस भी होती हैं उन सुपर क्लासेस में. तो जो प्रोटोजोअन्स है वो अपन जस्ट प्रोटिस्टा के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका फिफ्थ लेक्चर, उसमें अपन प्रोटोजोअन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटिस्टा. सो एग्जाम्पल कैन बी दी एल्गी, वेरियस एल्गी, अमीबा, युगलीना, प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड्स. दिस इमेज यू कैन सी, दिस इज द इमेज ऑफ विच क्रिएचर, दैट इज द युगलीना. नाउ कमिंग ऑन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन, नेम फर्स्ट इज नेम द ग्रुप टू विच डायटम्स बिलोंग. Second is why does not Euglena fit into the kingdom Plantae. Then third is name the important groups of kingdom Protista. Fourth is how does diatomaceous earth is formed. Then fifth is explain the term red tides. So these are the practice questions. So this completes with our today's lecture. If you find any query regarding the today's lecture, then please let me know in the comment section below.
Thank you so much to all my viewers. If you find this video is helpful, then please like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the updates of the regular lecture. And also don't forget to share with your friends. Thank you so much.